जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, शर्कर ट्रेडर्स चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। कल यानी कि 5 सितंबर का स्टॉक किस में आप फोकस रख सकते हैं, उसका एक चार्ट सूची आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, इसमें आप वॉच कर सकते हैं। देखिए, मेरा ये जो चैनल है, यहाँ पे फुल्ली एजुकेशनल पर्पस है। मैं बाकी निफ्टी, बैंक निफ्टी के वीडियो के माध्यम से आपको एजुकेशनल प्रोवाइड करने का कोशिश करता हूँ। और ये हमारा जो व्यू है कल का, हिसाब से जो हो सकता है उसके ऊपर मैं एक वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें किसी तरह का नुकसान या प्रॉफिट का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। आप सिर्फ इसका वॉच कर सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो ट्रेड भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे क्या है। अंबुजा सीमेंट बाइंग प्राइस है 193.5 को ऊपर आएगा तभी बाइंग करना है, और इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 195.5। स्टॉप लॉस इस समय रहेगा 192। सन फार्मा बाइंग प्राइस रहेगा 435, इसके ऊपर आएगा तभी बाइंग करना है, और फर्स्ट टारगेट रहेगा 439, इसका स्टॉप लॉस रहेगा 428। देखिए, सन फार्मा में हम दोनों तरफ देख सकते हैं, अगर ये ऊपर की तरफ ना जाके नीचे जाए तो यहाँ पे देखिए सेल कॉल है। सन फार्मा 420 के नीचे आएगा तो हमें सेल करना है, और 416 तक टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट टारगेट मिल सकता है आपको 413 का, और इस टाइम पे आपको स्टॉप लॉस रहेगा 423। नेक्स्ट हमारा कॉल है जो कि सन टीवी है। सन टीवी में आप 432 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं, 436 तक टारगेट जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस नहीं है, स्टॉप लॉस आपको 429 तक स्टॉप लॉस दे सकते हैं। ओके, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जो कि आपको 730 के ऊपर जाकर बाइंग करना है, और 737 तक का टारगेट दिखा सकता है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रहेगा 723। HDFC बैंक आज अच्छा मूव दे रहा था, लेकिन अचानक वहां से फॉल आ गया। लेकिन HDFC बैंक एक अच्छा जगह पे है, यहाँ से 10 पॉइंट के नीचे यानी कि 2235 पे अगर आपको मिल रहा है तो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। एक छोटा स्टॉप लॉस 2222 के साथ, और टारगेट आपको जो रहेगा वो 2255 और 2265। ओके, ICICI बैंक 400 को ऊपर सस्टेंस करने से आपको टारगेट होगा 404, और इस टाइम पे स्टॉप लॉस रहेगा आपको 396। बायकॉन में 233.50 इसको ऊपर आके सस्टेंस करेगा तो भी आपको बाइंग करना है, टारगेट रहेगा 436। स्टॉप लॉस इस टाइम पे रहेगा आपको 236, और स्टॉप लॉस रहेगा इस टाइम पे आपको 230। देखिए, इन्फोसिस मैं यहाँ पे क्यों रखा हूँ, इन्फोसिस कई दिनों से मेरा जो टेलीग्राम चैनल, मेरा जो स्टूडेंट है उनको मैं दे रहा हूँ, जो इन्फोसिस यहाँ से एक अच्छा खासा मूव दिखाएगा और कंटिन्यू दिखा रहा है। ये इंटरडे कॉल नहीं है, ये शॉर्ट टर्म होल्डिंग बेस पे कॉल पे आप रख सकते हैं इन्फोसिस को। देखिए यहाँ पे टोरेंट फार्मा पे आप 1680 के ऊपर बाइंग कर सकते, सॉरी ये सेलिंग सेल कॉल है, 1680 के नीचे आप सेल करेंगे, और यहाँ पे टारगेट जो आपको मिल सकता है 1670 का, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा आपको 1688 का। ये है कल का सूची, कल का ट्रेड करने का आप इसके ऊपर व्यू ध्यान दे सकते हैं। अगर आप टेक्निकल जानते हैं तो जिस हिसाब से जानते हैं उस हिसाब से आप इसके ऊपर बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा मेंशन कीजिए। आज का वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।